नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी रसोई में एक स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी के साथ। दोस्तों आज की रेसिपी है तो बहुत पॉपुलर डिश की, लेकिन आज बनेगी अलग स्टाइल से। जी हाँ, ये रेसिपी है आपके हमारे सबके फेवरेट मटर पनीर की। जी हाँ, मटर पनीर तो हर जगह इतना पॉपुलर है, हर कोई इतने स्वाद से खाता है ना कि क्या कहें। लेकिन ये आज की रेसिपी मटर पनीर की अलग क्यों है, क्योंकि आज ये जो हम मटर पनीर बनाने वाले हैं ना, उसमें हम ना डालेंगे प्याज ना डालेंगे लहसुन। सो बिना प्याज और लहसुन के मटर पनीर कैसे बनाते हैं, उसका आसान और स्वादिष्ट तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। चले फिर देखने। तो सबसे पहले देखेंगे इस अलग रेसिपी में अलग अलग चीजें क्या पड़ने वाली है, यानी कि इसके इंग्रेडिएंट्स सामग्री। आइए हमारे साथ। तो दोस्तों मटर पनीर है तो चाहिए सबसे पहले पनीर। ये करीबन 200 ग्राम पनीर लिया हमने। साथ में ये मटर हैं एक कप के करीब जो हमने बॉईल करके रखे हैं। साथ में लाल लाल कटे हुए ताजे ताजे टमाटर, कसूरी मेथी, कुछ खड़े गरम मसाले, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। साथ में हमारे पास है ये अदरक और हरी मिर्च मोटा मोटा काट लिया है, हरा धनिया, काजू। साथ में हमारे पास है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ये गरम मसाला। तो ये है हमारी सामग्री बनाने की मटर पनीर बिना प्याज और लहसुन के। तो चलिए बनाते हैं हल्का फुल्का लेकिन मजेदार मटर पनीर। तो दोस्तों बनाते हैं मटर पनीर। और सबसे पहले हमने कढ़ाई में ले लिया है एक बड़ा चम्मच तेल और हमने चला दी है गैस। अगर आप चाहें तो तेल के साथ बटर का भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ तेल में ही बनाया है, क्योंकि बटर के साथ भी ये डिश कुछ ज़्यादा हैवी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पसंद है तो बी फ्री, चाहे तो इस डिश को सिर्फ बटर में ही बनाइए, लेकिन हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किए। तो बस वेट करते हैं इस तेल के गर्म होने का, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी खाओ दोस्तों, तेल हो गया है गर्म। इसमें सबसे पहले जाएंगे हमारे ये कुछ खड़े गर्म मसाले, इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। ठीक है, अभी जैसे ये हल्के हल्के क्रैकल करेंगे और इसकी फ्रेग्रेंस आने लगेगी, अगला जो आइटम है वो डालेंगे। जी हाँ, ये हो गए हैं रेडी। और अब डालते हैं हम इसमें अपनी ये अदरक और हरी मिर्च। ओके, ये मोटा मोटा काटा है, इसको भी हल्का हल्का सौते कर देंगे बस जरा सा। अब इसी में डाल देंगे हम अपने काजू, ये भी गए काजू, बस हल्के से फ्राई हो जाए, थोड़े थोड़े से ब्राउन हो जाए बस, ज़्यादा नहीं पकाना किसी भी चीज़ को, क्योंकि मटर पनीर होती इतनी डेलिकेट डिश है ना, तो हर चीज़ डेलिकेट होनी चाहिए। अब इसमें डाल देंगे हम अपने ये कटे हुए टमाटर। हाँ 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 हाँ, क्या खूबसूरत आवाज़ आई, बस इनको मिक्स कर लें अच्छे से अदरक लहसुन काजू और खड़े गरम मसालों में। अब इसमें डालेंगे हम अपने सूखे मसाले, ये गया इसमें धनिया पाउडर। ये सारे मेजरमेंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कितना कितना क्या क्या डाला है। ये है जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, ये भी गई इसके अंदर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये भी गया। और साथ ही में डाल देंगे नमक आपके स्वाद अनुसार। तो ये बेसिकली हमारे मटर पनीर की जो बेस है ना, वो रेडी हो रही है। तो सब कुछ इसमें हमने डाल दिया, इनको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, और तब तक हमें इसे पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से नरम ना हो जाए, और वो पल्पी पल्पी बोलते हैं ना जिसे, सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसे ना हो जाए। तो अगर इसके लिए थोड़ा पानी डालेंगे और ढकेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा काम। तो हम काम करते हैं थोड़ा सा पानी लेकर। चलिए दोस्तों इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, इससे क्या होगा मसाले भी जलेंगे नहीं हमारे, और ये टमाटर भी जो हमारे हैं ना अच्छे से पक जाएंगे। मिक्स कर लें एक बार अच्छे से बस। अब मेरे ख्याल से टमाटर को पकने को 6 से 7 मिनट लगेंगे, इसी गैस पर इसे हिलाते रहें और इनके नरम होने का इंतजार करें। दोस्तों मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं जो कि मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी सी चीनी चुटकी भर, जो इस डिश में ना एक प्यारी प्यारी सी मिठास लाएगी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये डिश मटर पनीर, वो भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के मीठे ना, तो बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। इसलिए आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी इसमें डाल दें, अगर नहीं चाहिए तो मत डालें,
आपकी मर्जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, मिल गए हैं एकदम इस ग्रेवी के अंदर या मसाला पेस्ट के अंदर। तो अभी हम करेंगे गैस को बंद और हम इन सारे मसालों को, इन सारे टमाटर वगैरह सब चीजों को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो वेट करते हैं ठंडा होने का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये पेस्ट जो बेस है हमारे मटर पनीर का, वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इसे एक ब्लेंडर में ट्रांसफर कर देंगे, सारी की सारी आराम से इस ब्लेंडर में डाल देंगे। ये गई हमारी सारी पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करके लाते हैं एक थिक स्मूथ ग्रेवी फॉर्म में। पानी डालने की जरूरत अभी नहीं है, तो बिना पानी के इसको एक बार पीसेंगे और फिर देखेंगे। ओके, दोस्तों आप एक बार इसे खोलकर देख लेंगे कि पानी डालने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, करीबन क्वार्टर कप, आधे से भी कम। एक बार फिर खोल के देखेंगे। हल्का सा पानी और पड़ेगा, बस करीबन दो चम्मच डाला मैंने। यस फ्रेंड्स, पेस्ट हमारी बिल्कुल तैयार है, चलिए आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी मटर पनीर की पेस्ट तैयार, बिना प्याज के और बिना लहसुन के। ये ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी की है। चलिए अब बनाते हैं मटर पनीर, सब कुछ रेडी, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों कढ़ाई चढ़ा दी हमने, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, बस करीबन एक बड़ा चम्मच तेल। अब इस तेल के गर्म होने का वेट करते हैं, तेल जब गर्म हो जाएगा तो मटर पनीर बन जाएगा, इंतज़ार। दोस्तों तेल हो गया गरम, अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हमारे ये बॉयल किए हुए मटर, ये गए इसके अंदर। इसको बस एक मिनट तक हमें सौते करना है, जस्ट वन मिनट, ज्यादा नहीं बिल्कुल भी। मटर हो गए, अब डालेंगे इसमें हम अपनी ग्रेवी जो हमने बनाई है। गैस को कर देंगे धीमा और एक स्ट्रेनर लेंगे और उसके अंदर ये जो ब्लेंडर में हमने पीसी थी मटर पनीर के लिए सारी पेस्ट, वो डाल देंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि एक ग्रेवी एकदम स्मूथ हो और इसका कोई भी खुरदरापन ना रहे इसके अंदर। तो खाने में मखमली स्वाद आएगा सब अच्छे से एकदम। दोस्तों ये हो गया, देखिए सारा खुरदरापन जो था सब कुछ इसके अंदर रह गया और हमारी ग्रेवी एकदम मस्त स्मूथ कंसिस्टेंसी की हमको मिलेगी। अब इसको हम बस स्टर कर देंगे। वाह वाह वाह, ये हुए ना मटर पनीर, क्या बात है। तो जो लोग प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, या कभी कभी फास्ट रखते हैं तो उसमें भी प्याज और लहसुन नहीं चलता, तो ये डिश आराम से बनाकर हम खा सकते हैं। अब ये काफ़ी थिक है, इसके अंदर थोड़ा पानी पड़ेगा, तो हम काम करते हैं ये जो ब्लेंडर में हमने पेस्ट पीसी थी ना, इसी के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स करके लाते हैं और इसके अंदर डालते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, इसमें डाल देंगे हम ये थोड़ा सा पानी, तो सारा हमारा ब्लेंडर हो गया साफ। तो कर लेंगे अच्छे से स्टर। यस, ये कंसिस्टेंसी ठीक है। अब मटर पहले से ही बॉइल्ड है, टमाटर वगैरह सब पक चुके हैं, बस हल्का सा इसमें बॉइल आ जाए फिर बाकी की चीजें डालेंगे। इंतजार कीजिए इसे उबलने का। ग्रेवी में उबाल आ गया फ्रेंड्स, अब डालेंगे हम इसमें अपना गरम मसाला पाउडर और साथ ही में जाएगी इसमें हमारी जो इस डिश को एक अलग फ्लेवर देगी, कसूरी मेथी। जी हाँ, ये देखिए कसूरी मेथी गई इसके अंदर, इसे भी स्टर कर लेंगे हल्का हल्का। गैस को कर देंगे धीमा क्योंकि ग्रेवी उछल रही है, काजू वगैरह पड़ा है इसमें, थिकनेस आ गई है लेकिन उछाल भी आ गई। ये हो गया मिक्स, अभी इस धीमी आंच पर कम से कम 25-30 सेकेंड इसको ऐसे ही इस गरम मसाले और कसूरी मेथी को अच्छे से ब्लेंड होने देंगे बाकी की चीज़ों के साथ, जस्ट 25-30 सेकेंड्स। दोस्तों ग्रेवी को उबलते हुए हो गए 25-30 सेकेंड, अब इसमें डाल देंगे हम अपना पनीर।
सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर है, इसे हमने फ्राई नहीं किया पहले से। अगर आप चाहें तो इसे पहले हल्का सा सौते भी कर सकते हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाए उसे अलग रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पनीर ऐसे ही डालता हूँ क्योंकि मुझे पनीर फ्राई किया हुआ इतना पसंद नहीं आता है। अभी आपके ऊपर है, आप फ्राई करें या ना करें, तो इससे क्या वो पनीर भी फ्राई, फिर इसके अंदर काजू और चीज़ें पड़ी हैं तो ज़्यादा हैवी ना हो जाए। बटर में भी बना सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा, तो चॉइस इज अप टू यू, आपको क्या पसंद है। बस अभी इसे हल्का हल्का हम इसमें मिक्स कर लेंगे, कुछ नहीं करना, धीरे से, पनीर टूटे नहीं ग्रेवी के अंदर है। ये हो गया मिक्स, अब इसे सिमर होने देंगे 15-20 सेकेंड, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं ये भी। चलिए दोस्तों, पनीर को ज़्यादा कुक नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना बिल्कुल भी, इसके ढक देंगे और गैस को कर देंगे बंद। अब पनीर को इसी ग्रेवी में रेस्ट करने देंगे 10 मिनट, ताकि सारी ग्रेवी के जो फ्लेवर है ना, सारा टेस्ट ग्रेवी का है वो पनीर के पीसेस के अंदर आ जाए। बस 10-12 मिनट इसे ऐसे ही ढक के रखिए और उसके बाद इसे कैसे खाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पनीर को आराम करते करते 10 मिनट हो गया है, कढ़ाई हमने उतार दी गैस पर से, अब इस मटर पनीर को सर्व करेंगे और आपके लिए गार्निश करेंगे। ये मटर पनीर हम एक सर्विंग बोल में डाल देंगे, आहा, थिक क्रीमी एंड नाइस, ओहो हो, खुशबू अच्छी, दिखने में अच्छा, तो स्वाद तो अच्छा आना ही चाहिए, क्या कहते हो। ये देखिए दोस्तों, मटर पनीर सर्व हो गए सर्विंग डिश में। अब इसके ऊपर डालेंगे खूबसूरत सा हरा धनिया, गार्निश करेंगे इसे इस तरह से, मटर पनीर के ऊपर चार चांद लगाएंगे और ऊपर डालेंगे थोड़ी सी घर की फ्रेश क्रीम। ये देखिए, अब इस डिश को देखकर कोई मना कैसे करेगा और कौन कहेगा कि इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो बस एक मिथ है कि प्याज और लहसुन के बिना सब्जी अच्छी नहीं बनती, लेकिन बनती है, खाकर बताएंगे बनी है कि नहीं। चलिए आइए और साथ में खाते हैं। बन तो गए, डिश रेडी, अब जरा सर्व करेंगे अपने आप को और इसका टेस्ट आपको बताएंगे कि ये मटर पनीर विदाउट ऑनियन एंड विदाउट गार्लिक विद लॉट्स ऑफ कैशू एंड टमेटोज एंड मसालास एंड स्पाइसेस कैसे बने हैं। तो पनीर तो जाहिर है सॉफ्ट है, ओह क्या बात है, वाह। फ्रेंड्स, यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी, इट इज अ मस्ट, मैं बताता हूं आपको मजा आ जाएगा और आप अपने खाओ दोस्त का शुक्रिया अदा करेंगे। इलायची का फ्लेवर आ रहा है, टमाटर तो है ही, पनीर सॉफ्ट है, कैशू की थिकनेस है बस, और वो थोड़ी सी जो चीनी डाली थी ना उसने कर दिया अपना कमाल, बहुत अच्छा लग रहा है चीनी की वजह से भी। तो अगेन अमेजिंग डिश, ट्राई कीजिए, अ डिफरेंट रेसिपी, अ सिंपल रेसिपी, फटाफट बन गई, आपने देखा होगा, तो यू कैन ट्राई इट एट योर हाउस। बस ऐसी रेसिपीज तो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आप लोग रिक्वेस्ट मुझे भेज रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मुझे वो रेसिपी आती है मैं बना पाता हूँ तो जरूर बना के दिखाता हूँ। तो आप कमेंट्स भेजते जाइए, रिक्वेस्ट भेजते जाइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए रेसिपीज बनाते जाएं। तो ब्लॉग देखते रहिए, खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए, धन्यवाद।